नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में मैं काफी बुलिश हूं, अगर आप इस स्टॉक को नेक्स्ट 3 to 5 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं। असेंबली इलेक्शन से इस बात की क्लियरेंस तो मिल चुकी है कि मोदी ही 2024 के इलेक्शन में आने वाला है और बस इतने मात्र के कंफर्मेशन से ही इस स्टॉक में एक बड़ी रैली हमने देखा। वो रैली अगर आप पिछले 1 मंथ के ट्रेंड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक रेंज में 2400 पे कंसोलिडेट कर रहा था, वहां से एक रैली दिखी और स्टॉक ने पास्ट 1 मंथ में 40% की रैली दिखाई। लेकिन मैं अगर थोड़ा दूरदर्शिता से इसको देखूं, थोड़े चश्मे लगा करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रोबेबली अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट 5 ईयर के जो हाई रहे हैं इस स्टॉक के, ये जो आपको 44,000 के लेवल दिख रहे हैं, पोटेंशियली यहाँ से भी ब्रेकआउट आपको दिख सकता है। कुछ बहुत बड़ा न्यूज तो नहीं दिखा, एक कॉमन न्यूज यहाँ देखेंगे कि IANS जो न्यूज एजेंसी है उसके जो 50% बाकी थे उसको एक्वायर कर लिया बाय 50% स्टेक इन IANS जो न्यूज एजेंसी है उसको बाइंग करा है। इसके अलावा डिलीवरी बेटर दिख रहा है, टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड भी बेटर दिख रहा है, अभी भी बेटर दिख रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कामकाज रहे थे वो नॉमिनल सेलिंग दिखी है, वॉल्यूम ठीक ठाक दिखा है 50 लाख का। अब चार्ट को देखेंगे तो चार्ट पे आपको मैं ये बताऊं कि 3077 से लेकर के 3100 ये एक माइनर रेजिस्टेंस है और एक बार इसके ऊपर जाए या इसके ऊपर गया तो जो टारगेट आपको दिखेगा वो काफी बड़ा टारगेट दिखेगा और इसके लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम को लेता हूं। इसके बाद कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है और प्रोबेबली जो 4000 के लेवल है, पहला टारगेट 4000, दूसरा 4500 और तीसरा 5000 प्लस, ये तीन टारगेट पोटेंशियली मुझे दिखता है। हो सकता है कि 36000 पे थोड़ा पाउज ले, लेकिन एक बड़ा टारगेट दिखता है। और वीकनेस कब तक नहीं आएगी, जब तक 2720 के नीचे की क्लोजिंग वीकली ना दे तब तक मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी